पवन अरुणता के सुपरस्टार सिंगर 2 के सेट से एक बिहाइंड वीडियो सामने आ गई है। वीडियो में सब के सब अपने आप में लगे हुए हैं, मस्ती करने में लगे हुए हैं। रेड ड्रेस पहने शायशा सेट पर नाचने में लगी हैं, मटक रही और चेहरे के अजीब अजीब एक्सप्रेशन दे रही हैं। साइली कामले फर्श पर बैठी दिख रही हैं, उदास दिख रही हैं, वो भी ऐसा लग रहा है उनकी भी नींद पूरी नहीं हो रही है। बाकी सभी बच्चे भी इधर उधर घूम रहे हैं और अरुणता की हालत तो ऐसी लग रही है कि उनका कोई काम करने का मन ही नहीं कर रहा है, वो अब बोर हो रही हैं। जी हाँ, मंच पर अरुणता नॉर्मल कपड़े पहने मुरझाए चेहरे के साथ खड़ी दिख रही हैं। जब वीडियो बनाने वाला शख्स उनके पास आता है तो वो हल्की सी मुस्कान देती हैं, लेकिन उनके चेहरे पर उदासी और थकान साफ दिख रही है। हो सकता है लगातार काम करने की वजह से अरुणता की नींद पूरी नहीं हो रही है और वो थकान महसूस कर रही है। वहीं पवन तो मंच पर नजर ही नहीं आते हैं। वैसे तो पवन रेस्ट बहुत कम करते हैं, उन्हें जब भी छुट्टी मिलती है वो छुट्टी वाले दिन राइडिंग करने निकल जाते हैं और गिटार हारमोनियम वगैरह बजाते हैं, किताबें भी पढ़ते हैं, लेकिन कभी दिन में सोते नहीं है, बल्कि रात में वो 5-6 घंटे की नींद लेने के बाद पूरे दिन वर्क करते हैं। वही अरुणिता रात भर काम करने की वजह से सुबह लेट उठती हैं और इस वक्त अरुणिता की नींद पूरी नहीं हो रही है। कभी कभी वो रात में देर से सोती हैं और सुबह प्रैक्टिस कराने के लिए उन्हें जल्दी उठना पड़ता है। अरुणिता को अपनी परफॉर्मेंस के साथ बच्चों की प्रैक्टिस भी सुबह उठकर करानी पड़ती है, इसलिए अरुणिता की नींद पूरी नहीं हो पा रही है और वो मुरझाए चेहरे के साथ नजर आ रही है। वही अरुणिता को घर गए हुए भी काफी टाइम हो गया है और अब उन्हें अपनी माँ की याद भी आ रही है, उन्हें अपना घर याद आ रहा है। हो सकता है कि अरुणिता की माँ कुछ ही दिन में अरुणिता से मिलने आ सकती है, क्योंकि लास्ट वाले एपिसोड में अरुणिता अपनी माँ को याद करके बुरी तरह रोती दिखाई दी थी। तो ऐसे में हो सकता है कि अरुणिता के दिमाग में अभी उनका घर और उनकी माँ बसी हुई हैं और वो उनसे जब तक मिल नहीं लेंगी तब तक ऐसे ही मुरझाई रहेंगी। फिर आपको क्या लगता है अरुणिता की ऐसी हालत के पीछे का राज क्या हो सकता है? मुंबई पुलिस को समर्पित एनुअल कल्चर एंटरटेनमेंट प्रोग्राम उमंग 22 का आयोजन रविवार को हुआ, जहां बॉलीवुड से टेलीविजन जगत तक की कई नामी हस्तियां शामिल हुई। इस वार्षिक कार्यक्रम में शाहरुख खान से लेकर सलमान खान, कैटरीना कैफ, सारा अली खान और शहनाज गिल, दिव्यांका त्रिपाठी तक मंच पर धमाल मचाती नजर आई। इन सभी स्टार्स की सोशल मीडिया पर वीडियो खूब वायरल हो रही है। इसी अवार्ड शो में पवन, अरुणिता और शायली भी पहुंचे, जहां सलमान, शाहरुख, शहनाज, कैटरीना, सारा मंच पर परफॉर्मेंस देते नजर आए, तो वहीं पवन, अरुणिता, शायली इस शो में सीट पर बैठे नजर आए। तीनों एक दूसरे के पास बैठकर शो का आनंद ले रहे थे, बातें कर रहे थे और कुछ डरे हुए भी लग रहे थे। पहली बार इतने बड़े शो में पवन, अरुणिता, शायली को बुलाया गया, ये कोई छोटी बात नहीं है। उमंग अवार्ड शो से पवन, अरुणिता, शायली की वीडियो सामने आ गई है। वीडियो में पवन, अरुणिता एक दूसरे के बिल्कुल करीब बैठे नजर आ रहे हैं, उनके साथ शायली भी बैठी हैं। अभी तक क्लियर नहीं हो पाया कि इन तीनों में किससे अवार्ड मिला है या तीनों को अवार्ड दिया गया है। बहुत जल्द हम आप तक पवन, अरु के अवार्ड वाली फोटो और वीडियो भी पहुंचाने वाले हैं, लेकिन तब तक के लिए आप भी सोच कर बता सकते हैं कि इन्हें कौन सा अवार्ड मिला होगा। वही एक वीडियो में देखा जा रहा है कि उमंग अवार्ड शो में सिर्फ पवन, अरुणिता, शायली ही नहीं पहुंचे, बल्कि सुपरस्टार सिंगर 2 की टीम भी पहुंची है। जी हाँ, टीवी एक्ट्रेस दिव्यांका त्रिपाठी जब इस शो में पहुंची तो उन्होंने वहां पे वीडियो बनाए और उनके बैकग्राउंड वीडियो में सुपरस्टार सिंगर 2 के कंटेस्टेंट मनी और ऋतु राज भी दिखाई दिए। मतलब साफ है कि सुपरस्टार सिंगर 2 के और भी कंटेस्टेंट और कैप्टन भी पहुंचे होंगे। फिलहाल आप उमंग अवार्ड शो के बारे में क्या कहना चाहेंगे कॉमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। सुपरस्टार सिंगर 2 के कल वाले एपिसोड ने हर किसी को रुला दिया जब शो में सभी की माँ पहुंची, लेकिन अरुणिता की माँ कहीं नहीं दिखी। हम आपको पूरी अपडेट देते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल मिलम न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बजाना बिल्कुल ना भूलें। तो फैंस, ये तो आप जानते ही हैं कि माँ के बराबर कोई नहीं होता है, और जिनके पास इस वक्त माँ नहीं है इसका दर्द वो अच्छी तरह से जानते होंगे। और पवन, अरुणिता तो अपनी माँ से कुछ ही कदम दूर हैं, लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो बहुत दूर हैं और उन्हें भी माँ के बिना अकेलापन लग रहा है। दरअसल कल सुपरस्टार सिंगर 2 के सेट पर माँ स्पेशल एपिसोड रखा गया है, जिसमें हर कंटेस्टेंट की माँ आई थी। सभी कंटेस्टेंट ने अपनी अपनी माँ के लिए बेहतरीन और इमोशनल गाने गाए। शायशा से लेकर प्रांजल तक की माँ बुरी तरह रोने लगी।
इस मौके पर अरुणिता भी अपने आंसू नहीं रोक पाई और वो सुस्कियां लेती हुई रोती दिखाई दी। जी हाँ, अरुणिता की हालत देखकर अंदाजा लगा लिया गया कि उन्हें अपनी माँ की बहुत याद आ रही है। टीवी पर बेटी की ऐसी हालत देखकर उनकी माँ घबरा गई, बल्कि पवन की माँ भी घबरा गई और दोनों की माँ ने फौरन अपने बच्चों को कॉल किया, इन्हें समझाने की कोशिश की। लेकिन पवन इस मौके पर खुद को भी संभाल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि पवन हर चीज से जीत लेते हैं लेकिन वो अपनी माँ के आगे सिर झुकाने के अलावा कुछ नहीं कर पाते। बहुत कम उन्हें इमोशनल होते देखा जाता है, लेकिन जब उनकी माँ की बात आती है तो वो भी अपने आंसू रोक नहीं पाते। और जब सेट पर माँ की याद में गाने गाए जा रहे थे तो पवन अरुणिता ही नहीं बल्कि हर कोई भावुक हो आया था। और ऐसा ही कुछ सुपरस्टार सिंगर 2 के मंच पर हुआ। पवन अरुणिता की ऐसी हालत देखकर लाइव शो में पवन अरुणिता की माँ ने कॉल किया। शो में दोनों की माँ ने अपने अपने बच्चों को हौसला दिया। इतना ही नहीं, पवन की माँ ने अरुणिता को भी समझाया और अरुणिता की माँ ने पवन से बात की। अब ये तो आप जानते हैं कि पवन अरुणिता एक दूसरे के कितने अच्छे दोस्त हैं, ऐसे में इनकी फैमिली भी एक दूसरे से बहुत क्लोज हो चुकी है। और इसी प्यार मोहब्बत के हक से दोनों की मम्मियों ने एक दूसरे से बात की। दोनों की मां ने ये भी कहा कि वो बहुत जल्द अपने बच्चों से मिलने आ रही है। मतलब पवन अरुणिता को कुछ ही दिन में सरप्राइज मिलने वाला है जब इनकी मां इनसे मुंबई मिलने आएंगी। तो इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है और माँ के लिए एक शब्द तो आप भी लिख सकते हैं। पवनदीप अरुणिता कांचीलाल इस बार सुपरस्टार सिंगर 2 शो में खूब मौज मस्ती कर रहे हैं, लेकिन आने वाले एपिसोड हर किसी को रुलाने वाले हैं। एक तरफ इनका शो जल्दी जल्दी निपटाया जा रहा है तो दूसरी तरफ एक से एक गेस्ट आकर शो की रौनक बढ़ाने वाले हैं। अब आने वाले वीकेंड में मशहूर अदाकारा जया पर्दा आने वाली है, उनके साथ ही कंटेस्टेंट के पेरेंट्स भी आने वाले हैं। और इस बार इस एपिसोड की थीम है स्पेशल माँ। जी हाँ, स्पेशल माँ वाले एपिसोड के लिए सभी कंटेस्टेंट अपनी माँ के लिए गाना गाने वाले हैं। शायसा से लेकर प्रांजल और फैंस तक कई इमोशनल गाने गाकर सबके आंसू निकालने वाले हैं। शायशा पवनदीप के साथ लुक्का छुपी बहुत ही गाना गाती हैं। इस गाने को गाती गाती शायशा इमोशनल हो जाती हैं और रुक जाती हैं। उनकी माँ का तो बुरा हाल है, वो बुरी तरह रोने लगती हैं। हिमेश रेशमिया तक गाना सुनते ही बुरी तरह रोने लगते हैं। और अरुणिता का जो हाल होता है वो शायद आप देख भी नहीं सकते हैं और देख कर शॉक रह जाएंगे। जी हाँ, पहली बार अरुणिता को इतनी बुरी तरह रोते देखा जा रहा है। दरअसल सबकी माँ को देखकर अरुणिता को अपनी माँ की याद आ गई और फिर अरुणिता काफी टाइम से अपनी माँ से मिली भी नहीं है, ऐसे में उनसे अब बिल्कुल रुका नहीं जा रहा। हाल ही में उन्होंने ये बात शेयर भी की थी, जब उन्हें एक रात अचानक माँ की याद आई तो वो पूरी रात सोई नहीं और सुबह सुबह माँ से मिलने का प्लान बनाने लगी, लेकिन काम में बिजी रहने की वजह से वो घर नहीं जा पा रही है। अरुणिता की ऐसी हालत देखकर पवनदीप तो उनकी मदद करेंगे ही, साथ ही अरुणिता की माँ को भी अब बेटी के लिए मुंबई आना पड़ेगा। अगर अरुणिता को कोलकाता जाने का वक्त नहीं मिल रहा है तो अरुणिता की माँ जरूर उनसे मिलने कुछ दिन यहाँ पर रुकेंगी। आपको क्या लगता है कि अरुणिता अपनी माँ के लिए अभी परेशान है?